प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी मैम राधिका सोनी और मेरी संस्कृत की कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी संस्कृत पाठमाला सुप्रभात कक्षा छठवीं से पढ़ेंगे आपका चतुर्थ पाठ। कौन सा पाठ? चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ है ना, जिसका नाम है धातु और बोध। बच्चों, ये भाग एक है। मैं अपने भाग एक में आपको इसके धातु, क्रिया, परिचय ये पाठ को पढ़ाऊंगी, है ना। और अपने भाग दो में मैं इसके जो अभ्यास प्रश्न है उसे बताऊंगी। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं आपका चतुर्थ पाठ धातु अवबोध भाग एक, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें दिया है धातु क्या होती है, है ना। तो धातु मतलब होता है क्रिया और उसका हम आज परिचय जानेंगे। तो देखिए, जिन शब्दों से कार्य का होना या करना ज्ञात होता है ना, जिन शब्दों से कार्य का होना या करना ज्ञात होता है उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया, है ना। और संस्कृत में इसके मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु रूप पुरुष वचन व काल के अनुसार चलते हैं। अब काल को लकार कहते हैं। क्या कहते हैं? काल को लकार कहते हैं। मूल धातु रूप को सामान्यतः हलन, है ना। हलन, देखो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है हलन, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कमल, तो ल के नीचे क्या हो गया? हलन, है ना। और ये हलन को अगर हटा देते हैं, अगर इसे हलन को हटाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कमलम, है ना। तो ये कमल, है ना, ऐसे। तो उसके नीचे जो हलन को लगा दिया जाता है, जैसे पठ, यहाँ पर दिया हुआ है आपका पठ, पठ के नीचे क्या है? हलंत लगा हुआ है। अब पठ मीन्स क्या होता है? पढ़ना। पठ मीन्स पढ़ना। और ये क्या है? कौन सा अलंकार है? देखिए, लट लकार है, वर्तमान काल। जब भी देखेंगे जहां भी लट लकार आएगा वो वर्तमान काल होगा, है ना। लट मतलब होता है, लट लकार मतलब वर्तमान काल। लिट, लट के जगह अगर लिट हो गया तो फिर वो भविष्य काल में चला जाता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लट लकार, वर्तमान काल, ठीक है। अब वर्तमान काल हम प्रथम पुरुष देखते हैं। लट लकार प्रथम पुरुष के धातु रूप बनाने के लिए मूल धातु के साथ ती, त और अंति क्या जोड़ेंगे बच्चों? प्रत्यय, प्रत्यय जोड़े जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ दिया है पठती, पठता, पठंती, है ना। क्या हो गया? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कैसे दिया है? पठती, पठता, पठंती। देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हमको चित्र के माध्यम से भी बताया गया है, है ना। पठती मतलब वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। पठता, वे दो पढ़ते हैं। क्या आया? वे दो पढ़ते हैं। और बहुवचन में आ गया हमारा पठंती, तो वे सब पढ़ते हैं। क्या आया? वे सब पढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते देखते हैं इसका। हमने भी पहला क्या देखा है? प्रथम पुरुष। क्या देखा? प्रथम पुरुष। अब आता है मध्यम पुरुष, है ना। तो मध्यम पुरुष में क्या है? लट लकार तब हम क्या देखेंगे? मध्यम पुरुष। क्रिया के रूप बनाने के लिए धातु के साथ सी, थ, थ, है ना, सी, थ, थ का प्रत्यय लगाते हैं, है ना। देखिए, पहले हमने क्या लगाया था बच्चों? यहाँ पर से देखेंगे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में क्या लगा है? ती, त और अंति। ती, त और अंति क्या लगा है? प्रत्यय जोड़े जाते हैं। क्या जोड़े जाते हैं? प्रत्यय जोड़े जाते हैं। कौन किस में जोड़े जाते हैं? ती, त, अंति, प्रथम पुरुष में। अब हम इसका देखेंगे मध्यम पुरुष, है ना। मध्यम पुरुष में क्या आता है? देखिए, क्या जोड़ना है मध्यम पुरुष में? हमें कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? सी, सी, थ और थ, है ना। इसको भी प्रत्यय जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया? देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इसमें भी बनाना है। कौन से रूप में? मध्यम पुरुष, है ना। तो क्या दिया है? लिखसी। देखो, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है बच्चों, लिखसी का मतलब होता है तुम लिखते हो। क्या है? तुम लिखते हो। लिखथ, तुम दोनों लिखते हो। और लिखत, तुम सब लिखते हो, है ना। हमारे पुस्तक में ही इसके आंसर दिए हुए हैं। तो क्या हो गया मध्यम पुरुष हमारा? लिखसी, लिखथ, लिखत, ठीक है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम इसका उत्तम पुरुष। क्या
बहुवचन क्रीडामा हम सब खेलते हैं। क्या हो गया बच्चों? हम सब खेलते हैं। वैसे ही चलिए देखें, यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। अब हमें अर्थ समझना है, प्रमुख धातु एवं उनके अर्थ दिए हैं। सबसे पहले देखिए मूल धातु, मूल धातु में यहाँ पर दिया है वद, है ना, और इसका अर्थ दिया हुआ है। मूल धातु यहाँ वद दिया है, तो उसका अर्थ, वद मीन्स क्या होता है? तो बोलना। क्या होता है? वद मीन्स बोलना। और वद को संस्कृत में, है ना, एक वचन द्विवचन बहुवचन में अगर हम बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? देखो यहाँ दिखाया गया आपकी पुस्तक में, वद मतलब होता है बोलना, और इसको तीनों वचनों में कैसे लिखेंगे? वदति, वदतः, वदन्ति। ये क्या हो गया हमारा? प्रथम पुरुष। क्या हुआ बच्चों? प्रथम पुरुष वदति, वदतः, वदन्ति। फिर देखिए इसका हम लोग क्या देखेंगे? मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा? वदसी, वदतः, वदथ। क्या होगा? वदसी, वदतः, वदथ। अब इसी का उत्तम पुरुष देखेंगे तो ये तीसरा उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा? वदामी, वदावह, वदामा। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि ये पहला वाला हमारा क्या है? प्रथम पुरुष। दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष। और तीसरा है हमारा उत्तम पुरुष। आया समझ में? अब देखिए वैसे ही यहाँ पर दृश्य, दृश्य मतलब होता है पश्य, पश्य उसको बोलते हैं देखना, है ना, दृश्य मतलब देखना। और इसका अर्थ हमको बनाना है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो कैसे बना है देखिए, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। क्या बना है? पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, प्रथम पुरुष। अब देखेंगे हम इसका मध्यम पुरुष, तो पश्यसि, पश्यतः, पश्यत। अब आया हमारा उत्तम पुरुष, तो पश्यामि, पश्यावा, पश्यामा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं स्था, स्था तिष्ठ, तिष्ठ मतलब होता है बैठना या ठहरना। अब इसका भी तीनों हम देखेंगे, प्रथम और मध्यम और उत्तम। तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, अतिष्ठत, अतिष्ठामि, तिष्ठावा, तिष्ठाम, है ना। ऐसे देखिए बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं और तीनों वचनों को बताया गया, तीनों पुरुष को, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बहुत सारे उदाहरण हमें यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पर हस का दिया हुआ है, हस मतलब होता है बच्चों हंसना। तो क्या दिया है देखिए, हस्ती, हस्ता, हसंती, हससी, हसत, हसथ, हसामी, हसावा, हसाम। ठीक है, फिर है हमारा धाव, धाव मीन्स होता है दौड़ना। दौड़ने के भी तीनों दिए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। धावती, धावता, धावंती, धावसी, धावथ, धावथ, और धावामी, धावावा, धावामा। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पत, पत मतलब होता है गिरना, है ना। तो पतती, पतता, पतंती, पतसी, पतथ और पतत, पतामी, पतावा, पतामा। ये सब तो बुक में दिया हुआ है, हम इसके पढ़ सकते हैं, पर इसी को देख करके अब हमें इसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए हमारे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष बने हुए हैं, बने ना। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है। पहले हम यहाँ डालेंगे इसका एक वचन, फिर है हमारा द्विवचन, और यहाँ आएगा हमारा बहुवचन। ठीक है, और हमें बनाना किसका है? क्रीड का। किसका बनाना है? क्रीड, है ना, क्रीड मतलब होता है खेलना। और देखिए पहला बना हुआ है क्रीडति, क्रीडता, क्रीडन्ति, है ना। क्या बना है हमारा पहले? क्रीडति, क्रीडत और क्रीडन्ति बना हुआ है ना। अब इसका हमको मध्यम पुरुष बनाना है, तो मध्यम पुरुष क्या बन जाएगा इसका? क्रीड सी। क्या हो जाएगा बच्चों? क्रीड सी, क्रीड और क्रीडथ। क्या हो जाएगा? क्रीडथ, है ना। और फिर इसका क्या हो जाएगा? क्रीडामी, क्रीडामी, क्रीडावः, क्रीडावः और क्रीडामः, क्रीडामः। बन गया ये हमारा, क्या बन गया? देखिए पहले वाले का
बन गया। वैसे ही हमको तरती का बनाना है और गर्जती का, ठीक है। तो चलिए हम इसको अब बनाते हैं। हम अपने तरती का है ना, तो आपका प्रथम पुरुष तो यहाँ से बना हुआ है। हम क्या बनाएंगे, तरती का मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो क्या आएगा, तरती का मध्यम पुरुष तरसी, क्या हो जाएगा, तरसी, तरथ, तरथ, क्या हो जाएगा, तरथ। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तरामी, तराव और तरामा, क्या हो जाएगा, तरामा। और वैसे ही दिया हुआ है गर्जना का, गर्ज मतलब होता है गर्जना, है ना, तो उसका भी हम बनाएंगे, ठीक है। अब बनाएंगे हम यहाँ पर गर्जना का, तो क्या हो जाएगा इसका, मध्यम पुरुष उत्तम, पहले बताओ प्रथम पुरुष बना दिया गया है, हमको सिर्फ दो बनाने हैं, क्या बनाने हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मैं गर्जती का मध्यम पुरुष बना के दिखाती हूँ आप लोग को, क्या हो जाएगा ये, गर्जसी, क्या हो जाएगा, गर्जसी, गर्जथ, और ये हो जाएगा हमारा गर्जथ। फिर हमारा उत्तम पुरुष क्या होगा बताओ तो, गर्जामी, गर्जामी और गर जावर, फिर आएगा हमारा गर जामा, बन गया बच्चों, है ना। इससे क्या हो गया हमारा, ये पाठ कंप्लीट हो गया। हमने इसमें क्या पढ़े, धातु क्रिया परिचय में हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना, तीनों को समझा है। और साथ साथ बहुत सारे यहाँ पर व, दृश्य, स्था, हस, धा, पद और कृड, तर, गर्ज, इतने सारे शब्द हैं जिन्हें हमने संस्कृत और हिंदी में समझे हैं। और साथ साथ इसके तीनों वचनों को समझा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और उसके तीनों पुरुष को हमने यहाँ पर बनाया है ना। हमने यहाँ पर आपको भी इसको कॉपी में कंप्लीट करनी है ना, या पुस्तक में भी कर सकते हैं, पुस्तक में हमारा जगह है, यहाँ भी हम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये पाठ हमारा कंप्लीट होता है। पहले में हमने, आज के वीडियो में हमने क्या देखा है, धातु अवबोधा। मैं अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद बच्चों।